जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे पेप्सी कंपनी गोरखपुर प्लांट के बारे में, जिसके अंदर बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी बेरोजगार युवा अभी घर बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकली है पेप्सी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। तो इसमें आप बड़े आसानी के साथ में अप्लाई आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले, साथ में कर ले बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे द्वारा जो न्यू कंपनी का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके और हर बार आपको एक न्यू कंपनी की जो जानकारी है उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पेप्सिको, जिसको वरुण बेवरेज लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। गोरखपुर में इसका प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पेप्सी कंपनी गोरखपुर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से 35 ईयर्स की। अगर आपकी एज अगर 18 से 35 ईयर्स की है, तो आप इसमें आसानी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी टाइम रहेगी इसमें आपकी 8 घंटे की। 8 घंटे बाद कंपनी की तरफ से आपको इसमें ओवर टाइम दिया जाता है, जो 90 रुपये पर घंटे का ओवर टाइम इसमें आपका रहता है। अगर 8 घंटे बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं, तो 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी इसमें आपको मंथली सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। तो 8 घंटे बाद आप इसमें जरूर से ओवर टाइम कर सकते हैं, जिससे आपको एक सैलरी का अच्छा खासा पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी का जो प्लांट है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इसका प्लांट है, इसलिए आपका जो वर्किंग जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो भी लड़के वो लड़कियां पेप्सी कंपनी में अप्लाई करने के लिए इच्छुक है, तो वो हमारी प्लेसमेंट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपका क्या रहेगा वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए गाइस वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा। पेप्सी कंपनी में बात करेंगे कौन कौन सा इसमें आपका डिजाइन रहने वाला है, कौन कौन सा इसमें आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी का। अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वालिटी में किसी भी पद पर आप जा सकते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेकर आदि के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें आपको जो डिजाइन है वो आपको इसमें आपको दिया जाएगा, जिसमें आप आसानी से वर्क इसमें कर सकते हैं। आप आरडी पैकेजिंग के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पैकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद टीम लीड स्पेशलिस्ट मैनेजर ई स्टोर, अगर आप स्टोर कीपर में जाना चाहते हैं तो मैनेजर की पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, क्यूसी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पोस्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर क्वालिटी से अगर आपको रिलेटेड है तो आप क्वालिटी में जा सकते हैं। मेंटेनेंस अगर आपको नॉलेज है तो आप मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस का अगर आपको नॉलेज है तो आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस वर्क, कंप्यूटर ऑपरेटिंग या फिर अकाउंटिंग के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मेंटेनेंस रेल भट्टी के लिए भी, स्टोर कीपर, क्यूसी मैनेजर या फिर क्यूसी इंजीनियर के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेब टेक्नीशियन के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी इंजीनियर के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, मशीनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको इसमें जो डिपार्टमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको काम करने में आसानी आपकी बनी रहे। बात करते हैं वरुण बेवरेज कंपनी के अंदर आपको सैलरी पैकेज इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो नॉर्मल सैलरी की अगर बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन के लिए 13,788 रुपये की सैलरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 14,860 रुपये, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक अगर आपने कर रखा है तो 15,764 रुपये की सैलरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए 16,925 रुपये की सैलरी इसमें आपको देखने को
मिल जाएगी। इसलिए पेप्सी कंपनी आपको सैलरी इस बार बहुत अच्छी खासी इसमें आपको दे रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें आपकी ये है कि इसमें आपकी परमानेंट जॉइनिंग रहने वाली है। कंपनी की तरफ से आपको 1300 रुपये का अटेंडेंस रिवार्ड भी आपको दिया जाएगा। ये रिवार्ड आपको तब मिलेगा जब आप कंपनी में 26 दिन वर्क करते हैं, तो क्योंकि कंपनी का जो वर्किंग डेज है वो है आपका 26 दिन का, 4 इसमें आपकी छुट्टी रहेगी, गवर्नमेंट छुट्टी इसमें आपको अलग से दी जाएगी। तो वीकली ऑफ इसमें आपको 4 मिलता है, गवर्नमेंट छुट्टी भी इसमें आपको मिल जाएगी, तो इसलिए छुट्टी का इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसलिए आप कंपनी में जैसे आप 26 दिन अगर वर्क करेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 1300 रुपये का बोनस भी इसमें आपको मिल जाएगा, जो 8 घंटे की सैलरी में एड होके इन हैंड आपके अकाउंट में आने वाली है। PF और ESI आपका इसमें अलग से रहेगा। जो हमने जो आपको सैलरी बताई इसमें से आपका PF और ESI नहीं कटेगा, PF और ESI आपका इसमें अलग से रहने वाला है। बात करेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि बिना दस्तावेज के इसमें आपकी जॉइनिंग होना इम्पॉसिबल है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके बाद में ITI डिप्लोमा, BTEC अगर पॉलिटेक्निक अगर आपने कर रखा है तो आप लास्ट ईयर की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिनका 2024 का पास आउट है, जैसे ITI का, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, BTEC, अगर जिनका 2024 का पास आउट है तो वो नेट से जो रिजल्ट निकला हुआ है आप वो भी इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बैंक पासबुक आपके पास में होना चाहिए, एक अच्छा सा रिज्यूम आपको बनवा लेना है, और कम से कम 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए, रंगीन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपके लिए चलेगी, रंगीन फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने, इन सभी की आपको फ़ोटो कॉपी साथ में लेके जानी। अब कुछ किसी का मतलब सवाल था कि सर कंपनी के अंदर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे क्या, तो कंपनी में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रखे नहीं जाएंगे। जब आप कंपनी में जाएंगे तो उनका ओनली वेरिफिकेशन करके आपको वापस दे दिया जाएगा, और जो जीरोस कॉपी है वो कंपनी में आपकी रखी जाएगी, इसलिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कंपनी में रखा नहीं जाएगा। इसलिए आप इसमें ज़रूर से आवेदन कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका इसमें एंट्री भी लिया जाएगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, अगर आपका इंटरव्यू भी अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी तरफ से आपको जॉइनिंग की डेट है वो आपको दे दी जाती है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, और उसी हिसाब से इसमें आपको जॉइनिंग डेट है वो भी बता दी जाती है कंपनी के द्वारा। कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो कंपनी की तरफ से आपको फूड, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट की सुविधा इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। खाने की व्यवस्था आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से, कंपनियां आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगी, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जो बहुत ज़्यादा दूर से जो लड़की और लड़कियां जॉब करने के लिए आएंगे उनके लिए जॉब जो रूम की व्यवस्था है वो प्लेसमेंट के माध्यम से होगी, क्योंकि इसमें जो जॉइनिंग है वो प्लेसमेंट के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सिंगल रूम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, गाइस इस बात को आप अच्छी तरह समझे, सिंगल रूम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक रूम में कम से कम 3 या 4 लड़की और लड़कियाँ रहेंगी। जो कंपनी के बाहर आपको रूम मिलेगा, कंपनी के अंदर आपको रूम नहीं दिया जाएगा। प्लेसमेंट से आपको रूम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको रूम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर कुछ पूछना हो पेप्सी कंपनी के बारे में तो दिए गए नंबर पर आप आराम से पूछ सकते हैं। नंबर है 8937864796, जो सेकेंड नंबर है वो है 6398268710। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी प्लेसमेंट में कॉल करने का जो टाइम है वो रहता है मॉर्निंग से 7 बजे से लेकर इवनिंग के शाम को 7 बजे तक, उसके टाइम बीच आप कॉल कर सकते हैं और पेप्सी कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो आप कॉल करके आप प्लेसमेंट में पता कर सकते हैं कि इसमें आपकी जॉइनिंग कैसे होगी। दूसरी बात, परमानेंट इसमें आपकी जॉइनिंग रहने वाली है, थर्ड पार्टी के माध्यम से इसमें आपको कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं होगी, इसलिए आप गेट के बाहर जाके आप अपना जो रिज्यूम है वो आपको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जॉइनिंग है वो प्लेसमेंट के माध्यम से ही दी जाएगी। इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए आप गेट के बाहर जाके या फिर गेट के बाहर सिक्योरिटी है वहाँ पे अपना आप जो रिज्यूम है वो आप सबमिट आपको
नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में कॉल आता है कि सर हमने रिज्यूम गेट पे जमा किया था लेकिन अभी तक हमारे पास में जो कॉल है वो कंपनी तरफ से नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गेट के बाहर अगर आप रिज्यूम जमा करते हैं तो आपकी जो कॉल है वो नहीं आएगी, आपको सिर्फ प्लेसमेंट से अप्लाई करना है। बाकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कुछ पूछना हो तो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवाया गया, वहाँ से आप कॉल करके और पेप्सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं ताकि उनको भी जॉब मिल सके। चलिए गाइस, जय हिंद जय भारत।